हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज मैं सुबह सुबह रेडी हो चुकी हूँ। आज मैंने पहनी कुर्ती गाइस, आप देख सकते हो। एक्चुअली ये मेरा कुर्ती बहुत पुराना है, कब से कबर्ड में पड़ा था, मैंने याद ही नहीं किया था क्योंकि मुझे किसका साथ पहनूं बोल के कुछ आइडिया नहीं हो रहा था। इसका लेगिंग्स है लेकिन इसका लेगिंग्स के साथ अच्छा नहीं लग रहा है गाइस, तो मैं ऐसे एक बार पहनी थी, उसके बाद ऐसे कबर्ड में पड़ा था। तो मुझे डोलमा ने आइडिया दिया कि आप जीन्स का साथ ट्राई करो बोल के, तो मैं जीन्स का साथ वेयर की हूँ। तो देखिए गाइस कैसा लग रहा है। स्लीपर ये नहीं पहन रही हूँ गाइस, स्लीपर मैं दूसरा पहनूँगी। तो गाइस कुछ इस तरह का है ये, लेकिन ये बहुत लाइट वेट है गाइस, गर्मी के लिए ये एकदम परफेक्ट है क्योंकि वाइट भी है और ऊपर से लाइट वेट भी है। और देख सकते हो कुछ इस तरह का ये, इस तरह का है। सो इज सिंपल एंड नाइस। मैं तो मैं रेडी हुई हूँ टिबेटन हॉस्पिटल जाने के लिए गाइस, मुझे वहाँ से कुछ मेडिसिन लेना है क्योंकि मैं कल जा रही हूँ बैंगलोर, तो मुझे मेडिसिन चाहिए, तो उधर से मुझे मेडिसिन लेना है। तो फिर आके फिर मुझे पैकिंग वगैरह भी करना है, कल के लिए कुछ कुछ सामान लेना है, तो और भी घर का भी थोड़ा मोटा काम है गाइस। मैं दिखाती हूँ आप लोग, देखिए कपड़ा पड़ा है गाइस, इतना कपड़ा पड़ा है वॉश करने का है। इधर भी है तो ये भी वॉश करना है गाइस, तो काम तो बहुत है गाइस, तो काम बहुत है गाइस। इसको निपटाना है, पूरा क्लीन करना है, कपड़ा वॉश करना है। मेरा कपड़ा वॉश करना बोला तो मेरे तो बाबा, और गर्मी है ऊपर से इतना। तो चलो गाइस मिलते हैं टिबेटन हॉस्पिटल पे, आप लोग को भी दिखाती हूँ। हेलो गाइस, तो मैं अभी आ चुकी हूँ टिबेटन हॉस्पिटल, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का है। वहाँ पे डॉक्टर वगैरह रहता है, लेकिन आज मुझे डॉक्टर दिखाना नहीं है, खाली मेडिसिन लेना है। तो मेरी लाइन पे बैठी है डोलमा, उसको मैं लाइन पे बिठाई हूँ मेडिसिन लेने के लिए। तो है ये क्लिनिक, ये देखिए यहाँ मेडिसिन वगैरह देता है, यहाँ से बाहर कुछ ऐसा है इसका, आप देख सकते हो। ये बहुत पुराना टिबेटन हॉस्पिटल है गाइस, यहाँ पे मेडिसिन वगैरह मिलते हैं आपको। ये सब जड़ी बूटी का है, इसमें बिकॉज साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, बाहर कुछ इस तरह का है, ये ऐसा है। ये सालगढ़ा का नज़दीकी है गाइस, सालगढ़ा, सालगढ़ा में अगर आप लोग आना है तो सालगढ़ा में अगर आपने ये मैची खैंक किधर है बोला तो कोई भी आपको बता देगा। एक्चुअली टिबेटन मेडिसिन क्यों अच्छा बोला तो इसमें साइड इफेक्ट कुछ नहीं गाइस, और ये सही में बहुत अच्छा भी है। पहले मुझे भी नहीं पता था, मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया, बोला कि तू एक बार उधर दिखा बोल के, क्योंकि एलोपैथी जो हम लोग लेते गए उससे साइड इफेक्ट होता है, कुछ कुछ प्रॉब्लम आता है, बीमारी तो ठीक हो जाता है लेकिन वो दवा से फिर दूसरा साइड इफेक्ट होता है। तो लेकिन इस ये मतलब टिबेटन दवा से ऐसा कुछ होता नहीं है, सो इसमें कोई साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, तो आप ले सकते हैं आराम से 4 साल 5 साल। हाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम तक लेना पड़ता है लेकिन अच्छा ज़रूर होता है गैस, इसका रिजल्ट सही में अच्छा है। तो देख सकते हो आप कुछ इस तरह का है, इस तरह का है, इस तरह का होता है C3। इन लोग ऐसा देते हैं C3, किधर जाना है बोल के पूछता है तो C3, आपका मन किधर भी जा सकते हो आप, C3 हुआ, और जैसे वहाँ पे दिखा है C2 C1, मैं C1 में दिखाती हूँ। सो यहाँ पे डॉक्टर रहता है, लेकिन आज मुझे डॉक्टर दिखाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मुझे जस्ट मेडिसिन लेना था, तो मैं मेडिसिन लेके जा रही हूँ। तो आप लोग को भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है जैसे हो गया ये घुटनों का दर्द, ऐसा बैक पेन वगैरह रहता है ना, और सब मतलब सभी चीज़ों का यूज है गाइस यहाँ पे। मेरा तो लंग इन्फेक्शन का है, एलोपैथी भी खा रही हूँ लेकिन मुझे लग रहा है एलोपैथी से भी अच्छा आई थिंक ये टिबेटन दवाई मुझे बेटर लगा गाइस। तो मैं तो अभी जस्ट 2 मंथ्स ही हुआ स्टार्ट किया, लेकिन इसका इफेक्ट मुझे आया है, इसका रिजल्ट अच्छा दिख रहा है मुझे। तो आप लोग को भी अच्छा अगर दिखाना है तो गाइस आप लोग आ सकते हो। ओके गाइस मिलते हैं बाद में। भाई तो यहाँ पे काउंटर आप देख सकते हो, थैंक यू।
यहाँ से अभी मुझे मेडिसिन लेना है, यहाँ से मेडिसिन देगा तो आई थिंक थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इस तरह का है टिबेटन हॉस्पिटल गाइस, कुछ कुछ मेडिसिन है यहाँ पे रखा, शायद दवा वगैरह। तो मैं वेट कर रही हूँ मेडिसिन के लिए, मेडिसिन रेडी करके कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा आई थिंक। कुछ इस तरह से रखते हैं मेडिसिन सारी, जितना तू बोल देगा वही चीज बात देख सकते हैं। ग्रेट बात फटी गई है, आप लोग हम लोग हिंदी है इसीलिए नहीं समझ। नहीं नहीं हिंदी बात करते तो वहाँ सब बोलते वही सुबह वाला वही है, दोपहर में वही है, हाँ जी रात में सिर्फ पहले तीन था अभी चार। ओके थैंक यू। गाइस मेरा हो गया है कुछ इस तरह का है, बाहर बहुत शांति भी है और नीट एंड क्लीन है। तो चलो गाइस मिलते हैं बाद में, अगर आप लोग को आना है तो आ सकते हैं, बस एक बार ट्राई कीजिए। सिर का वर्क भी करता है, डेफिनेटली आप लोग एक बार ट्राई करना चाहिए क्योंकि एलोपैथी से हम लोग का साइड इफेक्ट बहुत होता है गैस, अगर ज़्यादा मेडिसिन लेना पड़ा तो। कोई कोई ऐसा बीमार होता है कि बहुत दो साल तीन साल मेडिसिन लेना पड़ेगा बोलते, तो हम लोग को उससे डेफिनेटली साइड इफेक्ट हो सकता है। तो आप लोग ये मैजिक हैंक का आप लोग मेडिसिन ट्राई कर सकते गैस, कभी भी आके आप लोग एक बार विजिट कर सकते हो। ओके थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं बाद में गाइस। तो मैं आ चुकी हूँ घर हॉस्पिटल से, तो आप लोग ने देख लिया टिबेटन हॉस्पिटल, अगर आपको सही में ज़रूरत पड़े तो आप लोग आ सकते हो। अगर ऐसा कुछ लगे कि हाँ एक बार ट्राई करना चाहिए बोले तो आप लोग डेफिनेटली आ जाइए, सही में अच्छा है और मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है इसका, क्योंकि अभी पहले मेरा हेल्थ पहले से बहुत बेटर हुआ है अभी टच वुड। तो अभी मैं धीरे धीरे सोच रही हूँ ये एलोपैथी दवा स्टॉप कर दूँ बोल के, अभी जस्ट 2 months ही हो रहा है मैं तो ले रही हूँ यहाँ का मेडिसिन, लेकिन फिर भी उसका असर बहुत अच्छा आ रहा है मेरे ऊपर। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ आस्ते आस्ते करके मैं एलोपैथी बंद कर दूँ बोल के। एलोपैथी मैंने तो 2-3 साल हो गया मैंने लिया हुआ, लेकिन बीच में फिर भी प्रॉब्लम आता रहता था मुझे। तो इसीलिए किसी ने मुझे बोला कि वहाँ पे जाओ एक बार दिखाओ टिबेटन हॉस्पिटल, तो सही में अच्छा है बोल के तो मैं गई, तो सही में मुझे तो अच्छा लगा गाइस। आप लोग को भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग डेफिनेटली जाके एक बार विजिट कर सकते हो, एक बार ट्राई करने में क्या है गाइस। तो ऑलमोस्ट आई थिंक सबको पता है ये टिबेटन हॉस्पिटल कहाँ है बोल के, सबको पता होगा मतलब ये हॉस्पिटल के बारे में कैसे। लेट्स सपोज जिसको पता नहीं, अगर ये मेरा छोटा वीडियो उनके लिए काम आया तो उससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और कुछ नहीं है गाइस। तो क्योंकि बीमार होके बैठना कैसा होता है वो मुझे पता है गाइस, क्योंकि मैं भी बहुत बीमार से ही गुजरी हूँ, कैसा कैसा हुआ है मेरे साथ तो मुझे पता है। अभी टच उठ के अभी थोड़ा मेरा हेल्थ ठीक है, बेटर है पहले से। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट अपना हेल्थ है गाइस। तो अगर आपको सपोज आपको ज़रूरत पड़ा सही में, अगर ऐसा लगता है कि नहीं जाना है बोल के तो आप जा सकते हैं एक बार ट्राई करने में क्या है गाइस, ट्राई कीजिए खा के देखिए कैसा लगता है। बीमार होके पड़े रहने से तो अच्छा है मेडिसिन खा के जल्दी से ठीक होना ही बेटर है ना गाइस। तो ठीक है गाइस, इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, गुड नाइट बाय बाय।